नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपना इंडिया रेलवे के एक नए वीडियो में। तो भाई, अहमदाबाद उदयपुर की आज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अपडेट है, क्योंकि जो है रूट है ना, यहाँ पर ज़्यादा ट्रेनें चलने में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है और इस रूट को लेकर रेलवे विभाग क्या सोचता है, साथ में इस रूट में कौन सी तकनीकी जो है खामियां भी जो है की गई है। इसके अलावा जून के पहले सप्ताह में एक बड़ा सियारस होने की उम्मीद जो है जताई जा रही है, जिसमें से जय संबंध खरवा चंदा का लगभग 38 किलोमीटर का जो सेक्शन है, इसका जो है सियारस इंस्पेक्शन जो है किया जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं पूरी अपडेट बड़े ही आसान भाषा में। तो दोस्तों, अहमदाबाद उदयपुर 300 किलोमीटर का रूट है, 1600 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च जो है इसमें किया गया है इसके अमान परिवर्तन को लेकर। अब आप सब कहेंगे कि इसमें खामियां क्या है, क्योंकि खामियां दोस्तों रूट में नहीं है, बल्कि इसमें जो है इस पूरे रूट में सिंगल लाइन ट्रैक में इसको जो है बनाया गया है, और जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना, सबसे बड़ा मतलब सिंगल लाइन ट्रैक की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि एक समय में दो ट्रेनें जो है ना रेलवे ट्रैक से भाई नहीं गुजर सकती है, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इस ट्रैक पर लंबी दूरी की ट्रेनें को अलावा इस रूट पर ज़्यादा ट्रेनों का संचालन जो है फिलहाल मौजूदा समय तक तो नहीं किया जाएगा। हालांकि इसमें जो कुछ ट्रेनों के प्रपोजल को जो भेजा गया था, इसको भले से चलाया जा सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस पूरे रूट में सिर्फ सिंगल लाइन ही है, इसमें जो कुछ स्टेशन है जहां पर और भी ट्रेनें रुकने की व्यवस्था को जो है मतलब पिट लाइन की व्यवस्था को जो है किया गया है भाई, जैसे डूंगरपुर हो गया, जय संबंध हो गया, तो इन स्टेशनों पर इसकी सुविधाएँ जो है पहले से ही दी गई है। लेकिन इसके अलावा जो बचे हुए छोटे बड़े स्टेशन हैं, यहाँ पर तो ये सुविधाएँ जो है उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में इन रूटों पर ना एक समय में एक ट्रेन को ही गुजारा जा सकता है। हालांकि इसमें से कुछ ट्रेनों का जो रास्ता साफ होता है, उसमें से यह ट्रेन है जो कि जिसमें से इंटरसिटी थी अहमदाबाद उदयपुर वाली, एक उसके अलावा डेमू ट्रेन थी जो कि जय संबंध तक चलाने की मांग जो है की जा रही है। हालांकि इन्हीं को जो है इस प्रपोजल को ही एक्सेप्ट जो है किया जाएगा, और इन्हीं को जो है प्रॉपर भी किया जाएगा इस रोड को चलाने को लेकर। हालाँकि अभी जो है मौजूदा समय तक जो फिलहाल एक साल का समय है इसमें, जो तो फिलहाल के लिए इन ट्रेनों को चलाया जा सकता है। इसके बाद फिर इस रूट पे जो है इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम हो रहा है, तो उसकी वजह से ट्रेन को गति आएंगे, जिसकी वजह से कुछ और ट्रेनें चलाई जा सकती है। इसके अलावा इन फ्यूचर रेलवे इस पर डबलिंग के भी बात कर रहा है कि अहमदाबाद उदयपुर की डबलिंग भी इन फ्यूचर जो है किया जा सकता है, और डबलिंग के बाद यहाँ पर ट्रेनों को प्रॉपर ढंग से लंबी दूरी की ट्रेनें, छोटी ट्रेनें, डेमू ट्रेनें, मेमू ट्रेनें, भाई रिजर्व ट्रेनें जैसी ट्रेनें भी इस रूट पर चलाई जाएगी। हालांकि पिछला जो एक साल रहने का यहां पर लोग है लगभग छोटी बड़ी स्टेशनों पर ये सुविधाएँ जो है उपलब्ध नहीं कराई है। हालांकि पिट लाइन को बनाया गया है, लेकिन इसमें से ज़्यादा ट्रेनें स्टॉपेज जो है नहीं ले पाएगी, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो था यही है रूट पे कि ज़्यादा ट्रेनें चलाने में क्या प्रॉब्लम थी और इसको लेकर रेलवे विभाग क्या सोचता है। उसके अलावा यह थी प्रॉब्लम। उसके अलावा अब बात करते हैं भाई सियारस की, खरवा चंदा वाला और जय संबंध का जो कि 38 किलोमीटर का सेक्शन है, इसमें से काफ़ी काम को किया जा चुका है। रेलवे की तरफ से आप यह ऑफिशियल लेटर दे सकते हैं जहां पर इसको 31 मई को यहां पर सियारस कराने की बात भी जो है की गई थी। हालांकि एक आध हफ्ता आगे पीछे दोस्तों हो सकता है, और इसका जो सियारस है फर्स्ट वीक ऑफ जून है तो सेकेंड वीक ऑफ जून के महीने में कराया जा सकता है। तो यह फिलहाल के लिए पूरी अपडेट थी, उस रूट पर प्रोग्रेस अच्छा खासा है, और ट्रेनें ना चलने का क्या रीज़न था हमने आपको बता दिया है कि यहाँ पर सिंगल लाइन वाली यहाँ पर रेलवे ट्रैक को बनाया गया, तो यही सबसे बड़ा रीज़न था। उसके अलावा रूट में काफ़ी लेट हुआ है, जिसकी वजह से काम अभी भी जो है पूरा नहीं किया गया है। उम्मीद करते हैं कि इस महीने के अंत तक काम को पूरा किया जा सकेगा, और पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में जून महीने की सियारस करके इस रूट को फाइनलाइज कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। दोस्तों, सच्चाई क्या थी रूट की हमने आपको बता दिया, काफ़ी काम बचा हुआ है, तो उम्मीद करेंगे जल्द यह काम को पूरा किया जाएगा, और ज़्यादा ट्रेनें चलने में क्या प्रॉब्लम है, लोगों की डिमांड को रेलवे इन फ्यूचर जो है इसको सोच सकता है। फिलहाल के लिए तो यहाँ पर जो ट्रेनों का प्रपोजल जो है रेलवे पहले समझेगा, जो ट्रेनों को पहले यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा, उन ट्रेनों को ही चलाया जा सकेगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। लगातार नई खबरें और लगातार इस रूट से जुड़े रहने के लिए चैनल को फ्रेंड सब्सक्राइब एंड लाइक करना आप ना भूलेगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, लगातार इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।